अस्सलामुअलैकुम मोजेज़ नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई कप्तान शाहिनशाह अफरीदी ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान स्क्वाड में 5 तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। शाहिनशाह अफरीदी ने बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज़ है इसमें पाकिस्तानी टीम में 5 तब्दीलियाँ करेंगे। शाहिनशाह अफरीदी ने बता दें कि ये 5 तब्दीलियाँ पाकिस्तानी टीम में बहुत ही ज़्यादा अहम है, ये 5 तब्दीलियाँ पाकिस्तानी टीम में होनी चाहिए। कौन सी 5 तब्दीलियाँ, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो गलत तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में एक घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारे किस्म नई अपडेट आपको आसानी से मिलती जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पॉस्ट बॉलर शाहिनशाह अफरीदी। T20 और ODI के कप्तान शाहिनशाह अफरीदी ने बता दिया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में T20 सीरीज के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 5 तब्दीलियां करेंगे। शाहिनशाह अफरीदी ने बता दिया, सबसे पहले तब्दीली मोहम्मद आमिर की होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में न्यूजीलैंड के खिलाफ, दूसरी तब्दीली शुएब मलिक की होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए, तीसरी तब्दीली शर्जील खान की होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज है, चौथी तब्दीली सैम अयूब की होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो कि पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज में इवाद वतीन को भी शामिल कर दिया जाएगा। और पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर शर्जील खान की बात की, शर्जील खान को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड में मौका दिया जाएगा, उनको भी मौका दिया जाएगा, उनको भी पाकिस्तानी टीम में शामिल कर दिया जाएगा। तो शाहिनशाह अफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम में ये 5 तब्दीलियों का ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये 5 बहुत बड़ी तब्दीलियाँ होंगी क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20